बिहार के शिक्षा मंत्री राम के तरफ खड़े हैं या रावण के तरफ खड़े हैं? डेमोक्रेसी है, कोई कुछ बोल सकता है, राइट है भारत में। मनीष कश्यप वह बोल देगा तो एनएसए लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप सवाल पूछे विधायक से और पूछे कि बिहार के शिक्षा मंत्री किसके तरफ, राम मंदिर के खिलाफ क्यों बोले अनुशासन। उसी पर सवाल किए मनीष कश्यप और बोले हिंदू के मंदिर को क्यों दूसरा और किसके बारे में गलत शब्द क्यों प्रयोग किया और विधायक क्या बोले शिक्षा मंत्री के बारे में, आइए सुनिए पूरा वीडियो। विधायक तो इलाज का है नहीं करते हैं, कौन सा वैक्सीन उनको लगाया जाएगा कि वो ठीक हो जाएंगे? हम तो बोले थे लेकिन ना, कोर्ट से आपको राहत मिला ना, 9 महीना काट लिए ना जेल। हमारे हिंदू धर्म के लोगों को की सहनशीलता को, सहजता को वो कमजोरी समझ बैठे हैं। अगर यही बात अगर कुरान के बारे में बोलते जैसा वो रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिगड़ा हुआ बच्चा, तो मंत्रिमंडल के बिगड़े हुए मंत्री हैं क्या? गिरा हुआ सोच है, समझे कि नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हैं ये। तो जो गिरे हुए सोच वाले लोगों को आप लोग मंत्री बनाइएगा, सरकार के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है? क्योंकि आप विधायक हैं तो आप ये बात बोलिएगा, ये बात सही है? नहीं नहीं, देखिए हम बता रहे, जदयू के विधायक नहीं भी रहते अगर जो सच्चाई सच्चाई है सबको कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा, और आप लोग भी बताइएगा कि पहले से कितना सुधार हुआ। देखिए एक बार सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नीचे सत्यमेव जयते ऊपर सूर्य का भी है बना हुआ है, समझे कि नहीं? अच्छा, राम मंदिर से अयोध्या और उत्तर प्रदेश और देश का विकास होगा कि नहीं होगा? आप एक हनुमान मंदिर यहाँ पे पटना में है, वो एक हनुमान मंदिर है, उस मंदिर में जो पैसा आता है 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है उससे, उस तरह राम मंदिर बनेगा तो उससे ओवरऑल एक जगह का विकास हो जाता है। भाई आप पार्टी लाइन से हट के बातें कर रहे हैं, भाजपा में जाने नहीं, 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 जाने नहीं, का नहीं, कुछ सब कुछ नहीं है भाई। के साथ पहले पागल खाना भी भेजना चाहिए मेरा, दोनों है जो आपका शिक्षा मंत्री है। आपका नहीं है, आपका नहीं है शिक्षा मंत्री? मैं उसको शिक्षा मंत्री नहीं मानता, मतलब कि बिहार का जो शिक्षा मंत्री है उसको पागल खाने भेजना चाहिए, उसको पागल खाने भेजना चाहिए, हर समय हिंदू धर्म के विरोध में बोलता है। इस बयान पे आप कायम हैं? कायम थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, हाँ भविष्य में भी रहेंगे। टिकट भी कट सकता है इस बात से आपका? ये चिद्दी पिद्दी क्या मेरा टिकट काटेगा, हम नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, ये सब क्या टिकट मेरा काटने का मंत्री संतरी करेगा मेरा, वो सब दूर दूर के, इसका टिकट कटेगा किसका? जो शिक्षा मंत्री हैं, जो धर्म के विरोध में हिंदू के वोट से जीत के आते हैं और हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, उनको जनता जूता का माला पहनाएगी, चुनाव लड़ेगा वो आदमी, तो ये मैं बता रहा हूं आपको।